महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। देखिए, एक तरफ गठबंधन टूटने की बात सामने आ रही है, आरएसएस की इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आ रही है, 400 पार वाले बयान को लेकर के घमासान मचा हुआ है, काफी कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर। डिटेल देखिए। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त लगातार बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र के सियासी दल एक्टिव मोड में आ चुके हैं। खबर है कि विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे अकेले उतरने का मन बना रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को लगे झटके के बाद राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने भी बड़ा फैसला किया है। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में एमएनएस भी अकेले चुनाव लड़ेगी। अब सवाल है कि क्या महाराष्ट्र की सियासत में कोई नया खेल होने वाला है? क्या उद्धव ठाकरे की कांग्रेस से अनबन हो गई है? सवाल ये भी है कि आखिर नतीजों के बाद राज ठाकरे का एनडीए से मोह भंग हो गया है। उधर महाराष्ट्र में सिर्फ एक सीट जीतने वाली अजित पवार की एनसीपी भी निशाने पर है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक प्रयोग किया गया उसकी जरूरत नहीं थी। एनसीपी में चचेरे भाई बहनों में जिस तरह की कलह चल रही है उससे शरद पवार 2-3 साल में ही फीके पड़ जाते। ऐसे में अजित पवार को लेने का अविवेकपूर्ण कदम क्यों उठाया गया? बीजेपी ने एक झटके में अपनी ब्रांड वैल्यू कम कर दी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।